लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर की थी कि हाउ टू गेट स्टूडेंट वीज़ा ऑफ यूएई। उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ शेयर अबाउट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएई, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, कैसे आ सकते हैं एंड ऑल। तो कैसे आ सकते हैं, कैसे वीज़ा ले सकते हैं, वो सब मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई कैड मेंशन कर दूंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉप 5 यूएई यूनिवर्सिटीज़ जो कि हाईली रिकग्नाइज्ड हैं पूरी वर्ल्ड में और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं वो अपने बच्चों को यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या वहाँ भेजते हैं, इवन यूएई में रहते हुए भी। उसका रीज़न ये होता है कि पढ़ाई एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप इमिग्रेशन और ये सब करना नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो फिर यूएई की यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट, क्योंकि आप जब रह रहे हैं यूएई में ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपका एक्सपेंस बच जाता है, आपका हॉस्टल का एक्सपेंस बच जाता है, आपको बहुत सारे और फायदे भी होते हैं अपनी फैमिली के साथ रहते हुए। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, किस तरह से ऑफर करते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ पर हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग। द फर्स्ट वन इज़ कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई। कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई वॉज फाउंडेड इन 2006 इन यूएई। वाइड रेंज के प्रोग्राम्स ही ऑफर करते हैं जिसमें इंक्लूडेड है इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्ट्स, साइंस, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। इसके अलावा इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये रिसर्च बेस्ड होते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं इन स्टूडेंट्स को जो कि कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर कैनेडा और यूरोप से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लोकल टीचर पढ़ाएगा। बाहर के जो टीचर्स होते हैं वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई में पढ़ाते हैं, तो उनकी जो यूनिवर्सिटी का जो मेन तरीका है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम से एफिलिएटेड है और उसी बेस पे वो लोग पढ़ाते हैं। और इसका सबसे जो मेन बेनिफिट आप कह लें वो ये है कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 इयर्स का आपका कोर्स है, तो जो लास्ट ईयर होता है या लास्ट के 2 साल होते हैं वो आप कैनेडा में भी उसी सेम यूनिवर्सिटी की ब्रांच में आप पढ़ सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल सकती है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, यू कैन गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी इन यूएई। आप अपने पढ़ाई कीजिए, ये 2 साल 3 साल अपने पूरे कीजिए और लास्ट का जो फाइनल ईयर होता है वो आप कैनेडा में आप पढ़ सकते हैं, और उसी पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आपको कैनेडा की डिग्री मिलेगी। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इजीली इमिग्रेशन में भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए स्पेशली, तो उसमें आपने कहाँ से पढ़ा है उसके पॉइंट्स भी मैटर करते हैं। अगर आपने कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कनाडा में आपने पास आउट किया हुआ है, आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपने कुछ एक साल डेढ़ साल काम किया हुआ है, तो उसके प्लस पॉइंट्स आपको मिलते जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। सो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर दोज हु वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा। सेकेंड यूनिवर्सिटी खलीफा यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अप्लाइड साइंसेज में ये कोर्सेज ऑफर करती है। फ्रॉम 110 डिफरेंट नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इस टाइम पर, और ये भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ऑफर करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, आपको रिसर्च भी करवाते हैं। दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स 13 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 22 मास्टर प्रोग्राम्स, 7 डॉक्टरल प्रोग्राम्स दैट इज PhD, 18 रिसर्च सेंटर्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर। और ये यूनिवर्सिटी जो है पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे कंट्रीज से हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर इन्होंने रखे हैं अपने पास जो कि पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी कि ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के पैनल पर डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें जिन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करती है उनमें इंक्लूडेड है हेल्थ केयर, ई लर्निंग, एनर्जी एंड एरोस्पेस। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है यूके, यूएस एंड साउथ कोरिया के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स में भी। नंबर 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई। नाउ दिस यूनिवर्सिटी इज मोस्ट रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी इन यूएई। 1995 में ये बनी थी और द गुड थिंग इज दे हैव ब्रॉट अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इन यूएई। उससे पहले अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इस यूनिवर्सिटी की वजह से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है यूएई में। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि करंटली पढ़ रहे हैं, और इनके जितने भी अलिमनी जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। तो वो अपना जो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे वो आपको पढ़ाते हैं। एक आम प्रोफेसर जिसकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं रही हो वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है, कोई भी सेक्टर हो उसमें काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो जो अपडेटेड रेवोल्यूशन होता है, अपडेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके बेसिस पे वो आप
साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो ये दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन इन UAE, आई वुड रिकमेंड दिस अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई। नंबर 4 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई। नाउ दिस यूनिवर्सिटी वर्क्स इन पार्टनरशिप विद दुबई ई कॉमर्स सिस्टम, दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी वजह से ये बिजनेस कम्युनिटी से बहुत क्लोज है ये यूनिवर्सिटी। और उसका फायदा ये है कि स्टूडेंट्स को ईजिली इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं और वंस दे फिनिश देयर एजुकेशन दे कैन गेट फुल टाइम जॉब इन द सेम कंपनी वेयर दे हैव डन देयर इंटर्नशिप्स। सो इन अ वे इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वॉन्ट टू नॉट ओनली टू स्टडी ओनली इन UAE बट अपना फिर प्रोफेशनल लाइफ भी UAE में स्टार्ट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी कि आप वहीं पर पढ़ें और फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी कर लें और फिर उसके बाद वहीं पर आप जॉब भी कर लें। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इनकी एफिलिएशन है इस यूनिवर्सिटी की, तो जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में ही होते हैं या फोर्थ ईयर में होते हैं या थर्ड ईयर में होते हैं एंड दे आर गुड इन देयर वर्क, डिपेंड करता है आपके क्रेडेंशियल्स पे, और फिर उसके बाद उस बेसिस पे वो उठाते हैं और सिंपली आपको इंटर्नशिप्स की ऑफर्स मिल जाती हैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि बाद में फिर आप उसको एज ए जॉब भी आप कर सकते हैं कंटिन्यू। इस यूनिवर्सिटी का करिकुलम भी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पे बेस करता है। जो कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें वैरायटी है ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, इंजीनियरिंग एंड IT प्रोग्राम्स। नंबर 5 पे है अजमान यूनिवर्सिटी। अजमान यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्योंकि ये थोड़ी सी रीजनेबल भी है। अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग सिस्टम, जो कि यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग सिस्टम होता है, दिस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन UAE। अजमान यूनिवर्सिटी भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड दे ऑफर 5 different programs, 30 partnerships for students and scientific exchange, and 38,000 students इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जो कि 72 different nationality से belong करते हैं। So if you are interested to study in UAE, especially if you are watching who ask me so many questions कि कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन से ऑफर करती है programs, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत beneficial रही होगी। Second thing is अगर आप डिटेल में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के बारे में कि पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या कोर्सेज हैं, क्या फ़ी है एंड ऑल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। क्योंकि मैं फ़ी इसलिए मेंशन नहीं कर सकती हूँ इस टाइम पे क्योंकि नंबर 1 हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट ऑफर करती है, नंबर 2 जैसे मैंने कहा कुछ दुबई में है, कुछ अजमान में है, कुछ के डिफरेंट कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते हैं, कुछ जो हैं वो मास्टर्स भी ऑफर करते हैं, और कुछ जो वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी ऑफर करते हैं, कुछ 6 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो हर एक के डिफरेंट रेट्स हैं, ऑफकोर्स डिफरेंट फ़ी है, डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि क्या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, देन इट्स डिफरेंट। इफ़ यू आर लिविंग इन UAE ऑलरेडी देन इट विल रिड्यूस फॉर यू बिकॉज ऑलरेडी यू आर लिविंग इन योर हाउस विद योर फैमिली, सो नो फूड एक्सपेंस, नो हॉस्टल एक्सपेंस, ओनली ट्यूशन फी इज़ देयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से मैं आपको एक स्पेसिफिक फिगर नहीं बता सकती अबाउट फी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एंड यू आर विलिंग टू स्टडी इन UAE देन डू कमेंट मी और ईमेल मी ऑन iramzeeshanmemon@gmail.com एंड इफ़ यू वांट इंटेंसिव कोचिंग सेशन विद मी टू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस देन प्लीज़ डू ईमेल मी, आई विल टेल यू हाउ टू गेट माई कोचिंग सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।